वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है कि शाला दर्पण का पासवर्ड कैसे चेंज करें। शाला दर्पण अपडेट हुआ है अभी और सुरक्षा कारणों की वजह से शाला दर्पण के पासवर्ड को भी चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। यहां पर ये मैसेज आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पढ़ा होगा, रात को 12 बजे तक इसका समय दिया हुआ था। सुरक्षा कारणों से शाला दर्पण के सभी उपयोगकर्ताओं को अपने पासवर्ड को 15 जून 2020 12 बजे मध्य रात्रि से और उससे लॉगिन के क्रेडेंशियल के लिए परिवर्तित करना होगा। इसमें पासवर्ड प्रोसेस चेंज करने के लिए जो प्रोसेस भी बताया हुआ है, पासवर्ड की लंबाई 8 अक्षर न्यूनतम होनी चाहिए और संयोजन एक होगा, कम से कम एक अपर केस लेटर यानी कि एक अल्फाबेटिकल और एक लोअर केसेस यानी कि एक स्मॉल लेटर और एक न्यूमेरिकल और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर। इस टाइप से ये पासवर्ड क्रिएट करना है। दोस्तों, शाला दर्पण का पासवर्ड बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूज़र्स उनको समस्या ये आ रही है कि एक तो फिलहाल उनके पास में प्रीवियस पासवर्ड नहीं है। तो प्रीवियस पासवर्ड नहीं है तो आप अपने पीओ से संपर्क करें और पीओ लॉगिन में हेल्प डेस्क में वो पासवर्ड आपको अपने स्कूल का मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेंज करवा सकते हैं। प्लस अगर किसी एम्प्लॉई ने अपने मोबाइल में पासवर्ड सेव कर रखा है, जैसे कि आप मोबाइल में लॉगिन करते हैं, अक्सर अपन शाला दर्पण को मोबाइल में लॉगिन करते हैं, उपस्थिति वगैरह अपडेट के लिए अपन ने ज़्यादातर इस पासवर्ड को सेव कर रखा है, तो सेव कर रखा है तो वहाँ पर उस पोर्टल को ही वहाँ से डिलीट कर लें। वहाँ से डिलीट करने के बाद में आपको शाला दर्पण लॉगिन पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपका यूज़र नेम, स्कूल की आईडी जो है और पासवर्ड और कैप्चा फिल आफ्टर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपकी स्कूल की लॉगिन आईडी यहाँ पर ऑलरेडी सबमिट मिलेगी और नेक्स्ट में ओल्ड पासवर्ड जो आपका प्रीवियस पासवर्ड है था स्कूल का, जिसे आप शाला दर्पण को लॉगिन करते थे, और न्यू पासवर्ड में आपको पासवर्ड चेंज कर देना है। वो पासवर्ड चेंज ऐसा करना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट डिजिट अल्फाबेटिकल होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर और एक कोई विशेष कैरेक्टर @ या हैश या डॉलर का साइन वगैरह और बाकी न्यूमेरिकल। तो 8 डिजिट का ये पासवर्ड आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड के रूप में सबमिट कर लेंगे और जो न्यू पासवर्ड है वही कन्फर्म पासवर्ड होगा। पासवर्ड की प्रोसेस अपन ने मैसेज में देखी है, उसके बाद में कर लेना है यहाँ पर सबमिट। सबमिट करते ही यहाँ पर पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल, इसको कर लेंगे आप ओके, रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पर। और उसके बाद में यहाँ पर स्कूल की यूज़र आईडी, आपने जो नया पासवर्ड क्रिएट किया है वो, प्लस यहाँ पर कैप्चा फिर आफ्टर लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर नए सिरे से आपका स्कूल लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।